अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। टीजर टेजी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। ड्रामाई अंदाज में हुए सिटी म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इंतखाबात में कांग्रेस और AIMIM को कामयाबी मिली। सिटी म्यूनसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए नाहिद सुल्ताना वाइफ ऑफ अफसर मियाँ को जुमला 32 वोट में से 26 वोट मिले, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए AIMIM की कैंडिडेट मीना राम गोडबोले को WPI, JDS और कांग्रेस के सपोर्ट से 24 वोट मिले। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल सेकुलर, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद से ये कामयाबी हासिल हुई है। सुल्ताना जो वार्ड नंबर 19 से तो वो चुन के आई है, उनको 26 वोट उसके फेवर में आए थे और सेकंड कैंडिडेट उनके फेवर में 6 वोट आए थे। और उपाध्यक्ष चुनाव ने में मीना रामराव गोडबोले ये चुन के आई है वार्ड नंबर 2, उनको 24 वोट्स उसके फेवर में आए हैं। टोटल हमारे यहाँ पे 31 काउंसिलर से और एक स्पेशल वोट था हमारे ऑनरेबल MP सर, तो वो भी आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे आके वोट किया। टोटल 32 वोट्स वोटर्स आज थे, तो उनमें से अध्यक्ष के लिए नाहिदा सुल्ताना और उपाध्यक्ष के लिए मीना रामराव गोडबोले। नाहिदा सुल्ताना इनके अपोजिट ज्योति मीना जी के अपोजिट ललिता भाई थे। मीना को 31 काउंसिलर्स प्लस एक ऑनरेबल उपाध्यक्ष में एक न्यूट्रल वोट। इंडियन मुस्लिम लीग बसो कल्याण यूनिट के सदर बुरहानुद्दीन चौधरी ने सिटी म्यूनसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मुबारकबाद पेश की है।